Subscribe my channel. Press the bell icon for watching my new videos. Hello friends, namaskar. Welcome to my channel. आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हिंदी मूवी बैटमैन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, वो भी चाइना के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आपको पता ही होगा कि जो बैटमैन अक्षय कुमार की मूवी है और इसमें साथ में जो है राधिका आप्टे हैं, और ये मूवी जो है वो इंडिया में रिलीज़ हो चुकी है और इंडिया में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था बॉक्स ऑफिस पे, और ये लोगों के द्वारा भी काफ़ी सराही गई थी मूवी। और बात की जाए इसके कलेक्शन की, तो ये चाइना में भी अब रिलीज़ हो चुकी है और चाइना में इसने अपना फिन डे का कलेक्शन है जो 1.19 मिलियन का जो इसने कलेक्शन किया है अपने सेकेंड डे में, और ये अगर आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 8.55 करोड़ रुपीज़। अगर बात की जाए इसके 2 डेज के टोटल कलेक्शन की, अभी जो टाइम हुआ 5 बजे तक का, तो वो होता है 2.71 मिलियन US डॉलर्स। अगर आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 19.49 करोड़ इंडियन रुपीज़। तो जो इसके जो फर्स्ट डे का जो कलेक्शन रहा था चाइना में, वो डिसेंट रहा था, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था और काफ़ा गंदा भी नहीं रहा था। अगर बात की जाए इसके सेकेंड डे की, तो सेकेंड डे में इसने काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया है और जो लोगों को जो है फर्स्ट डे में मूवी काफ़ी पसंद आई है, तो उसका वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी पॉजिटिव गया है, तो ये सेकेंड डे में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस पे। तो आपको क्या लगता है कि ये मूवी कितना परफॉर्म कर पाएगी चाइनीज़ बॉक्स ऑफिस पे? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कितना प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली सारी अपडेट्स सबसे पहले देख सके। थैंक यू।